जान पहचान के थे जो आते थे हमारे प्रोग्राम्स में, अब मेरा ख्याल है कोई 5% निकल चुकी है जी, 5। लेकिन मैं आप सॉरी जो आप कह रहे थे फाइनेंसेस के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है, वी फॉलो अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, यानी हम बिजनेस करते हैं लेकिन हम बिजनेस करते हैं फॉर अ सोशल पर्पस, फॉर सोशल और कम्युनिटी गुड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज ब्रेक द मॉडल ऑफ, एंड आई नो यू लाइक दिस, ऑफ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड। आई डू नॉट इंटेंड ऑन टेकिंग एनी ऑफ कुछ खास प्रोग्राम्स एंड आस्किंग for aid from foreign donors. I want for Pakistanis from the community to start wanting to take up our programs and say that bhai mera classical interest mein classical music mein interest hai, ya mera poetry mein interest hai, ya mera urdu literature mein interest hai, aur main aapko 2000 rupaye mahine de sakta hu ya main aapko 2 lakh de sakta hu, ya programs classes sponsor kar sakte hain, basically sponsor kar sakte hain. और ये दिस इज़ माई आइडिया, बट नॉट अनटिल आई हैव प्रूवन दैट वी हैव बीन एबल टू डू व्हाट वी आर सपोज टू डू सक्सेसफुली। इन द मीन टाइम वी आर फॉलोइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल वेयर वी आर सेटिंग अप लिटिल बिजनेसेस, जैसे हमारा लाइम ट्री कैफे जो है वो इज़ नॉट अ नॉट फॉर प्रॉफिट, इट इज़ अ फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी हैव व्हाट वी डू इज़ वी गोइंग टू पार्टनरशिप विद यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो उनको एनेबल कर रहे हैं, उनको हम एनेबल करते हैं, उनको हम दे डोंट हैव टू मेक अ कैपिटल इंजेक्शन इनटू द बिजनेस, वी गिव देम स्वेट इक्विटी एंड दे कैन बाय अप टू 30-40% इन द फर्स्ट 5 years, एंड हमारा जो शेयर है वो सारा उसका प्रॉफिट जो है वो कुछ खास को रन करने में चला जाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल जी, इट्स ये इस वक्त टाइम नहीं है कि तसल्ली से मैं आपको इसमें थोड़ी मैं आपके इस मॉडल पे चीटिंग मीटिंग शायद करूं, जरूर करें चीटिंग नहीं है, थिंग्स लाइक दिस। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो बेसिक थीम है वो ये है कि फॉर सोशल एंटरप्रेन्योर्स टू बी सक्सेसफुल दे मस्ट बी कॉपीड, सो प्लीज स्टार्ट कुछ खास। अगर वो मेरा वक्फा कॉपी कर रही है तो ठीक है, बिल्कुल सही कर रही है, इसी तरह सीखेंगी कि फैसल कुरैशी बन सके, और वो बेहतर है कि वो अली रिज़वी बने। एक कॉल है दानिश हाशमी साहब। दानिश साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अली कहिए क्या कहेंगे। सर सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा बहुत अच्छा शो करते हैं, बहुत शुक्रिया, और यकीनन ये देखने वालों के लिए बहुत ज्यादा मालूमात हासिल हो जाती है आपके जरिए, जरा नवाजी आपकी। उनके साथ मैं सलाम कहना चाहूंगा शायन अफजल साहब के, कुछ खास में वाकई इसके में ऐसा कुछ खास है जिसने इस साइट को चाहिए, जो स्पार्क चाहिए, जो चीज चाहिए एक सोशल चेंज के लिए, वो उसमें मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पर मौजूद है। फैंटास्टिक, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जो आपने पूरा मॉडल कहा, ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप एज आई सेड इज ए दिस ईयर इज ऑल अबाउट कुछ खास को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना। तो आई थिंक हमारी आउटरीच तो हम वी हैव डन अ गुड जॉब अप टू नाउ, सो सेल्फ सस्टेनिंग इज द नेक्स्ट एम, एंड विद इन दिस ईयर इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट गोइंग टू अदर सिटीज। माशाल्लाह, वेरी गुड। अगली शहर कौन सा है जहन में? खैर दिल तो मेरा कराची में है, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, कराची का भी दिल है आप में, ऐसा नहीं है, कराची में आप आए, यहाँ हमारे पास बड़े एनर्जी है, कुछ सवालात भी हैं, लेकिन सवालात से इब्तिदा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारी वेबसाइट और SMS की डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे होंगे, वो भी देखते रहिएगा, हमारे साथ रहिए, छोटा सा वक्फा। Thank you very much for staying with us. हमारी वेबसाइट के ऊपर एक नया फीचर ऐड हुआ है, दैट इज़ द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे आप लोग हमें बता सकते हैं कि हम आप लोग क्या सोचते हैं प्रोग्राम के बारे में, अबाउट द इनिशिएटिव, अबाउट द थीम, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, प्लीज़ एक्सप्रेस योरसेल्फ्स ऑन द नोटिस बोर्ड। जी, कुछ सवालात हैं कहिए। जी, मुझे ये क्वेश्चन करना था कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले फैसल सर ने बताया था कि
हमारे माइंड ऐसे हो चुके हैं जैसे हम ये सोचते हैं पूरी यूथ ज़्यादातर लोग कि पाकिस्तान तो ऐसा है छोड़ो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए अपने माइंड को चेंज करने के लिए, हम किस तरह से अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं? ओके अभी मुझे पता करना था कि कुछ खास जो ऑर्गेनाइजेशन है इतनी खास कैसे हो गई, मतलब व्हाट मोटिवेटेड यू? ऑलराइट जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलेंट इनिशिएटिव दैट यू हैव टेकन, इट्स वेरी अप्लॉडेबल। दूसरा माय क्वेश्चन इज टू फोल्ड। फर्स्ट थिंग बीइंग कि पाकिस्तान वाज मेड अ सेपरेट कंट्री बिकॉज हम सेकंड क्लास सिटीजंस बन गए थे, बट नाउ वी हैव बिकम सेकंड क्लास सिटीजंस इन आवर ओन कंट्री बिकॉज वी हैव बिकम ट्रैप्ड बाय द टाइम्स। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, दे डोंट मिंगल। हाउ डू वी ब्रिंग दैट फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप बैक टू पाकिस्तान? हाउ डू वी मेक पाकिस्तान द पाकिस्तान इट वॉज मेंट टू बी अगेन? एंड माई सेकेंड क्वेश्चन इज टू डील विथ, हाउ डू यू डील विथ क्लोज माइंडेड पेरेंट्स? आई मीन वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल्टरनेटिव करियर्स, बट इफ़ यू डोंट स्टार्ट डीलिंग विद द पेरेंट्स राइट नाउ, वी गोइंग टू हैव टू वेट अ होल अदर जनरेशन जब तक हमारे बच्चे नहीं होते। तो हाउ डू यू डील विथ क्लोज माइंडेड पेरेंट्स? तो टेक्निकली डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, आप इस पर एक लम्हा गौर कीजिए तीनों जवाबों के ऊपर। आपने कुछ हमें दिखाना है अभी? हाँ जी, वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दिस टाइम ऑन द वेबसाइट। फर्स्टली वी हैव अबाउट दिस पर्सन हु इज एक्चुअली आईटी में ग्रेजुएट किया हुआ है उन्होंने, इज अ कंप्यूटर पर्सन एंड ही इज एक्चुअली हेल्पिंग पीपल हु आर इन नीड एंड हिज नेम इज अफसर काजी। माशाल्लाह। सेकेंडली वी हैव दिस लिटिल 9-year बॉय कॉल्ड पप्पू, एंड एक्चुअली पप्पू इज इट्स Papu is not only a boy, he is a phenomena. He is a representative of all the people ki jitne bhi society mein wo log hai jo education afford nahi kar sakte hain, Papu un sab ka ek chota sa representative hai. Then we have the story of Nikki Nina, jo fashion addicts unko pata hoga Karachi ke based fashion designers hain Nikki Nina, and they've hit it so big. And the thing is ki they're promoting Pakistani culture and ki aapko kapdon mein bhi wohi culture nazar aayega. So these are very interesting stories that Fantastic. We received on the website. Well, we will invite everyone ki aap website pe jaiye aur ye dekhiye, aur aapke paas bhi koi aisi stories hain jo aap share karna chahte hain to kijiye. Waqt ki thodi si kami hai to Shayan, इनके सवालों के जवाब भी आपने देने और साथ में वो एक प्लेज जो है वो भी हमने आपसे साइन कराना है, तो वहीं चलते हैं तो आपसे बात भी होती रहेगी और ये भी हो जाएगा। तो पहला सवाल तो दोस्त ने ये किया कि वी थिंक नेगेटिव, हाउ डू वी चेंज आवर माइंड्स एंड द वे ऑफ थिंकिंग? जहाँ तक कहीं भी साइन कर लो जी जी, जहाँ तक मैंने देखा है कि यूथ में वो नेगेटिविटी इतनी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको लगती है, डू यू फील नेगेटिवली अबाउट पाकिस्तान? क्या ख्याल है? आपका क्वेश्चन था ना।